अच्छा, गोल्डन रम से मैंने आपको कभी भी कॉकटेल बना के नहीं दिखाया। आज मैं एक गोल्डन रम से कॉकटेल बनाऊंगा जिसका नाम है मकजई। ये एक गोवन रम है और बहुत ही यू नो फैंटास्टिक नाम है मकजई। मकजई का मतलब है आई वांट। और बहुत दिन से सोच भी रहा था तो मैंने कहा यार चलो मकजई से बनाते हैं। आज का कॉकटेल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और आप आराम से घर में बना पाएंगे। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगा बहुत सिंपल है, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉकटेल को बनाते हैं। यह है इंग्रेडिएंट लिस्ट, शुरू करते हैं। बाय द वे, इस कॉकटेल को बनाने के लिए आप जितना अमेजिंग ग्लास चुन सकते हैं उतना ही अच्छा है। आप अगर नोटिस करेंगे तो मैंने एक ब्यूटीफुल ग्लास चुन के लाया इस कॉकटेल को बनाने के लिए। यहाँ पर दो लेयर हैं जो इस कॉकटेल को एक अमेजिंग लुक देने में मदद करेगा। तो शुरू करते हैं, इसमें देते हैं लॉट्स ऑफ आइस। आ गया आइस। यहाँ पर मैंने क्या क्या क्रस्टाइज दिया नीचे और ऊपर में बड़ा सा एक आइस क्यूब डाला। अब इसमें क्या करना है, सिंपल है, आपको मकजई रम देना है। और याद रखिए ये छोटा सा ग्लास है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है मगर अंदर नहीं, जो कंटेनर है बहुत छोटा है, तो इसलिए हम लोग इसमें डालेंगे 45 ml रम, गोल्ड रम। बाय द वे, आपके पास अगर गोल्ड रम नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वाइट रम से भी बना सकते हैं, बट इतना अमेजिंग टेस्ट नहीं होगा, तो एक गोल्ड रम मंगवा लीजिए, वो भी मकजई मंगवा लीजिए। इस कॉकटेल को बैलेंस करने के लिए लाइम जूस का ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं लाइम लाया हूँ। अब इस लाइम को मैं दो हिस्सों में काट लूँगा। अराउंड 5 to 10 ml लाइम जूस आपको देने होंगे इस कॉकटेल को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने के लिए। तो चलिए लाइम जूस में डाल देता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है मकजई लीची मेनिया, तो यहाँ पर तो मकजई आ गया है बट लीची जूस नहीं दिया। मैंने क्रिस्टल क्लियर लीची जूस मंगवा लिए, ये आपको बाजार में बड़ी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइन यू नो लीची जूस दे तो भी आप दे सकते हैं। मुझे मिल गया था फटाफट, मैंने ले लिया सुबह सुबह, तो इसको मैं पोर कर दूंगा थोड़ा सा। जी हाँ, अब एक फाइनल ट्विस्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लीजिए सो दैट ये प्रॉपर तरीके से घुल मिल जाए एंड ये परफेक्ट टेस्ट करे। अगर लीची जूस का बात करूँ तो अराउंड 30 ml लीची जूस काफ़ी है, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। ये बन गया आपका मकजई लीची मेनिया। अब इसमें फाइनल टचअप, और यहाँ पर मैं दूंगा चेरी बिटर्स। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड बहुत गलत हो जाएगा, चेरी बिटर्स दे दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है लीची के साथ। तो मैं चेरी बिटर्स यहाँ पर 3-4 ड्रॉप दे दूंगा। क्या मज़ेदार खुशबू है, क्या बताऊँ, मतलब एक फैंटास्टिक एरोमा छोड़ रहा है। अब गार्निश की बारी, तो गार्निश में मैं ब्लड ऑरेंज जो है, ये ड्राई ब्लड ऑरेंज मेरे पास था, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। मालूम नहीं ये चिपकेगा कि नहीं, क्योंकि यह बन गया, ये बन गया आपका कॉकटेल जिसको बोला जाता है मकजई लीची मेनिया। आइए अभी टेस्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसा बना। अमेजिंग, ब्यूटिफुल, डिलीशियस, क्या बताऊं। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग कॉकटेल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।